सुबह की भाग दौड़ में अगर हमें नाश्ते में कुछ समझ ना आए कि क्या बनाएं, तो बनाएं इंस्टेंट राइस फ्लोर डोसा। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉली कुकिंग विद डॉली में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे 5 मिनट में बनने वाला डोसा और बनाएंगे सूखे आलू की सब्जी और इसी के साथ हम बनाएंगे नारियल की चटनी जो कि बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक बॉल, उसमें डालेंगे 1 कप चावल का आटा। इसमें डालेंगे हम जीरा, थोड़े से हमने कड़ी के पत्ते लिए हैं, थोड़ी सी हमने हरी मिर्च ली है वो ऐड करेंगे। प्याज को हमने बारीक चॉप किया है वो लेंगे। प्याज को आप लंबा ना काटें, बारीक ही काटें। थोड़ी सी हमने गाजर ली है ग्रेट की हुई वो ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम धनिया ऐड करेंगे। इनको मिलाएंगे। एक कप हमने चावल का आटा लिया था तो हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। अगर हमें मिश्रण गाढ़ा लगा तो हम और पानी ऐड कर लेंगे, लेकिन पहले आप 2 कप ही पानी डालें। मुझे थोड़ा बैटर गाढ़ा लग रहा है तो मैं 1/2 कप पानी और ऐड करूंगी। स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे, इसको मिला देंगे। और 5 से 7 मिनट तक इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इतना हम आलू की सब्जी और चटनी तैयार कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्राइंडर जार हमने ले लिया है, इसमें डालेंगे हम सूखा नारियल। आप चाहें तो ताज़ा नारियल भी डाल सकते हैं। रोस्टेड मूंगफली ली है मैंने, वो डालते हैं। थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे और अदरक डालेंगे। पानी ऐड करेंगे इसमें। और 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। दही की जगह आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और इसका लिड लगाकर इसको फाइन पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। पैन हमने गैस पे रख दिया है, इसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे राई। राई को चटकने देंगे। राई हमारी क्रैकल हो गई है। अब हम इसमें हींग डालेंगे थोड़ी सी। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चटनी में। अब हम इसमें उड़द दाल डालेंगे 1 चम्मच और इसको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ते डालेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे।
और इसको चटनी के ऊपर से डाल देंगे। ये देखिए चटनी हमारी कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होगी। अब हम आलू की सब्जी तैयार करते हैं। इसके लिए लिए हैं हमने 8 उबले हुए आलू। इसको हम हाथों से ही मैश कर लेंगे। थोड़ा मोटा ही रखेंगे हम इनको। आलू हमारे मैश हो गए हैं। अब हम पैन गैस पे रखते हैं और इसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें राई डालेंगे। राई को क्रैकल होने देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून उड़द दाल डालेंगे और 1 टीस्पून चने की दाल डालेंगे। इसको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। ये दालें हमारी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। दालें हमारी रोस्ट हो गई हैं, ये देखिए। अब इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जीरा हमारा भून गया है। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे बारीक काटी हुई और अदरक डालेंगे ग्रेट किया हुआ। इनको मिला देंगे। आप चाहें तो चॉप किया हुआ अदरक भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे जो कि हमने लंबे आकार में काटा हुआ है। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे। इनको अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम इसमें बॉईल किए हुए आलू डाल देंगे और इनको मिला देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे आलू हैं वो सूखे सूखे ना लगे। और आलू को हम थोड़ा मैश कर देंगे। ये देखिए आलू की सब्जी हमारी रेडी है। ऊपर से हम इस पे हरा धनिया डाल देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम डोसे की तैयारी करते हैं। डोसा बनाते हैं। ये देखिए डोसा बनाने से पहले सबसे पहले इसको बैटर को हिला लें क्योंकि जो चावल का आटा है वो नीचे बैठ जाता है। पैन तवा हमने रख दिया है। इस पे लगाएंगे हम सबसे पहले ऑयल ताकि जो डोसा है वो चिपके ना हमारा। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और इसको बैटर को बाहर से लेते हुए अंदर की ओर डालेंगे कच्छी के साथ। आप चाहें तो किसी कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे।
ये देखिए ऊपर से सिक गया है। इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम मीडियम पे कर देंगे और अब इसके ऊपर से ऑयल लगा देंगे। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। ऑयल लगाने से जो हमारा डोसा है वो नीचे से क्रिस्पी हो जाता है और उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए डोसा हमारा सिक गया है। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। अब इसको निकाल लेते हैं। आप चाहें तो दोनों ओर से भी सेक सकते हैं। इसी तरह हम दूसरा डोसा तैयार कर लेंगे। ये देखिए बाहर से लेते हुए फिर अंदर की ओर हमने ऐसे डालना है करछी से। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप बड़ी आसानी से ये डोसा बना सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए तवे को घुमाते हुए हम चारों साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये लीजिए क्रिस्पी और कुरकुरा डोसा हमारा बनके रेडी है। ये देखिए पूरा जालीदार बना है और अंदर तक सिका हुआ है, हमने दोनों साइड से भी नहीं सेका। ये देखिए मैंने टेस्ट करके देखा, चटनी भी बहुत टेस्टी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आलू की सब्जी भी बहुत अच्छी बनी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।